हेलो फ्रेंड्स, आज हम वेज पोहा बनाएंगे। वेज पोहा बहुत हेल्दी और लो फैट फूड रेसिपी है। हम देखेंगे वेज पोहा बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए। आइए वेज पोहा बनाना शुरू करते हैं। ये हमने 2 कप पोहा लिया है। पोहे को चलनी में डालकर सारा धो लेते हैं। सारा पानी डालकर इस तरीके से धो लेंगे और 2-3 पानी से धोकर साफ कर लेंगे। आप डायरेक्ट नल के नीचे भी इसको धो सकते हैं। पोहा धो लिया है, अब इसको बाउल में निकाल लेते हैं। अब गैस ऑन करते हैं और पोहा बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई गर्म हो गई है, अब 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देते हैं। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, उसके बाद मसाले ऐड करेंगे। ऑयल गर्म हो गया है, 1 चम्मच राई डाल देते हैं। एक इंच अदरक का टुकड़ा है बारीक कटा हुआ, 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, ये भी इसी में मिक्स कर देते हैं। एक बारीक कटी हुई गाजर है, ये भी इसी में डाल देते हैं। आधा कप बारीक कटी हुई गोभी है, गोभी के हमने ऊपर वाले डंठल सारे हटा दिए थे और केवल फूल ले लिया है, ये भी इसी में मिक्स कर देते हैं। थोड़ा सा चलाकर 1 मिनट के लिए इसको ढक देते हैं। थोड़ा सा हल्का सा गल जाएगा, उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1 मिनट हो गया है, इसको चला लेते हैं अच्छी तरीके से। ये 100 ग्राम मटर है, ये भी इसी में मिक्स कर देते हैं। एक छोटी बारीक कटी हुई शिमला मिर्च है, सारी मिला देते हैं। सब्जी हम बहुत गलाएंगे नहीं, क्रंची रखेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच से थोड़ी सी कम हल्दी, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1 चम्मच नमक। सब चीज अच्छी तरीके से मिक्स कर देते हैं सारे मसाले। अब 1 मिनट के लिए फिर सारी सब्जी ढक देंगे। 1 मिनट हो गया है, अब सब्जी खोलकर एक बार चला लेते हैं। ये 14-15 करी पत्ते हैं, ये भी इसी में मिक्स कर देते हैं। एक छोटे छोटे पीस में कटा हुआ टमाटर है, ये भी इसी में सबसे बाद में डालेंगे, नहीं तो टमाटर बहुत ज्यादा गल जाएगा। एक बार सब चीज अच्छी तरीके से चलाकर सबसे बाद में पोहा सारा मिक्स कर देंगे। 1/2 कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया है, थोड़ा सा हरा धनिया गार्निश के लिए बचा लेंगे और सारा हरा धनिया इसमें मिक्स कर देंगे। ये हमने 1/4 कप पानी लिया है, ये भी सारा पोहे में डाल देते हैं। सारी मसाले अच्छी तरीके से मिक्स करके गैस बंद कर देंगे और पोहे को सर्विंग बाउल में निकाल देंगे।
थोड़ा सा हरे धनिया से ऊपर से गार्निश कर देते हैं। वेज पोहा बनकर तैयार हो गया है। आप इसे हरी धनिया की चटनी सॉस के साथ सर्व कीजिए। और आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारी लेटेस्ट रेसिपी देखने के लिए आप बेल आइकन को दबाएं। एक बार फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। कृष्णा मेहरोत्रा.com।